सदा था सदा है सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। ओम जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का प्रश्न उत्तरित करने हेतु चुना गया है श्रीमान दिलीप मीना। एड्रेस इन्होंने बताया नहीं है, शायद राजस्थान या हरियाणा से होंगे। और इनका प्रश्न है, ब्रह्माणी रुद्राणी मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी, का क्या मतलब है? श्रीमान दिलीप मीना जी ने अपना प्रश्न शिवानंद स्वामी द्वारा रचित प्रकाशित आरती संग्रह की दुर्गा आरती की एक कड़ी चुनी है। आपको इसमें वर्णित ब्रह्माणी और रुद्राणी शब्द उनको समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ब्रह्मा और रुद्र तो देवता हैं, फिर उनको देवी कहकर क्यों संबोधित किया गया है। वहीं कमला रानी अर्थात माता लक्ष्मी का नाम है, और फिर शायद इनको आगम निगम शब्दों पर थोड़ा समझने में कष्ट हो रहा होगा, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दोबारा शिव की पटरानी कहने पर हो रहा होगा। हम आपको इस विषय में ज्यादा विस्तार में न ले जाते हुए सिर्फ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए परम ब्रह्म परमात्मा और उनकी शक्ति स्वरूपा महामाया हैं। वैसे ये दोनों निराकार हैं, लेकिन संसार के प्राणियों को सही रास्ता दिखाने के लिए, संसार चक्र जीवन मरण चक्र चलाने के लिए दोनों एक ही शरीर महाविष्णु नारायण में वास करते हैं। अत्यधिक सारांश करते करते विद्वानों ने महाविष्णु नारायण को ही विष्णु की संज्ञा दे दी है। भगवान विष्णु और महाविष्णु एक ही रंग रूप के हैं, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इस बात का है कि विष्णु नारायण जी सिर्फ एक ब्रह्मांड के पालनहार हैं और लक्ष्मीपति बैकुंठ धाम अर्थात विष्णु लोक में निवास करते हैं। उनके शरीर में रहने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती जलोदरी हैं। वहीं महाविष्णु नारायण ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों और असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी हैं, जिनके अंदर ही असंख्य ब्रह्मांड बसते हैं। उनके अंदर बसने वाली महाशक्ति महामाया है। इन्हीं दोनों से संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। संपूर्ण सृष्टि अर्थात प्रकृति इन्हीं की शक्ति से चलती। इस विषय को कुछ ऐसे समझो कि एक इंजन को चलने के लिए ईंधन फ्यूल चाहिए, और फ्यूल के बाद चलाने के लिए हैंडल लगाने वाला मनुष्य, और फिर ईंधन से बनने वाली ऊर्जा करंट जिससे इंजन चलता है। वैसे ही संपूर्ण विश्व परम ब्रह्म परमात्मा महाविष्णु हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए ऊर्जा रूपी करंट महामाया भगवती हैं। स्वयं द्वारा किए जाने वाले कर्म ही ईंधन फ्यूल होते हैं। इन महामाया भगवती के द्वारा ही सभी इंजनों की करंट बनती है अर्थात शक्ति है, और यही शक्ति सभी स्त्री या पुरुष के अंदर होती है। इसलिए जब यह माता अपनी शक्तियां किसी से वापस ले लेती हैं, तो वो इंजन वहीं रुक जाता है। सभी आत्माएं सिर्फ इन्हीं महामाया द्वारा संचालित होती हैं। आपकी जानकारी के लिए कि परमात्मा पुल्लिंग शब्द है, जबकि उसका ही एक अंश आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि परमात्मा के अंदर से निकलने वाली अनगिनत आत्माओं के संचालन का कार्य माता रानी के ही हाथ में है। उनकी लगाम माता के पास है। महामाया हरीश चैषा तया सम्मोहयते जगत, ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादाक्रस्य मोहाय महामाया प्रयक्षति, तया विसिरज्यते विश्वं जगदेतात्वरचरम्। एकमात्र भगवती महामाया ही हैं,
जो समस्त संसार को विमोहित किए रहती हैं। इन्हीं के प्रभाव से लोग ममतामय मोह के भंवर के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। यही भगवती महामाया ही ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संसार की चर अचर जगत की सृष्टि करती हैं। संसार की जितनी शक्तियां हैं सब इनकी शक्ति है। अतः ब्रह्मा के अंदर की शक्ति ब्रह्माणी भी यही माता शक्ति हैं। रुद्र के अंदर की शक्ति रुद्राणी भी यही माता हैं। महेश के अंदर की शक्ति माहेश्वरी यही माता हैं। और विष्णु के अंदर की शक्ति वैष्णवी भी यही माता हैं। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी यही माता हैं। उसी प्रकार भगवान विष्णु की पत्नी कमला लक्ष्मी भी यही माता हैं और भगवान शिव की पटरानी अर्थात माता पार्वती भी यही माता हैं। हमारे आपके साथ सारे संसार की सभी शक्तियां इन्हीं की शक्तियां हैं। हमारी आपकी पत्नी माता बेटी बहन सभी स्त्रियों के अंदर की शक्ति यही देवी हैं। आपके द्वारा पूछी गई लाइन में कवि ये बता रहा है कि हे माता, आप ही तो सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी हो। आप ही सृष्टि के संहार करता सभी रुद्रों की रुद्राणी शक्ति आप ही हो। आप ही कमला लक्ष्मी जी हो। आपका ही यश कीर्ति का गुणगान आगम निगम अर्थात वेद उपनिषद पुराणों द्वारा किया जाता है। हे माता, आप ही तो भगवान शिव की पटरानी माता पार्वती हो। निष्कर्ष में आप ये समझ लें कि संसार की ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवित या निर्जीव वस्तु में शक्ति स्वरूपा महामाया का वास है। ब्रह्मांड की समस्त शक्ति उनकी शक्ति है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह देवी वो भगवती परम ब्रह्म परमात्मा की सहचरी हैं। दोनों एक ही शरीर महाविष्णु शरीर में निवास करते हैं। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मीना जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अस्तु, जय माता दी।